रिपेयरिंग का खर्चा कौन देगा, वो वाली आइडियोलॉजी के साथ हम चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं शुरू से स्टैंड अप कॉमेडी में था, पहले मैंने शायरी भी करी, सिंगिंग भी ट्राई करा, लेकिन फ़र्क इतना था इस बार ऑडियंस रो रही थी और मैं हंस रहा था, तो उस चीज़ को भी मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पाया। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं कॉमेडी में बहुत माहिर हो गया हूँ। अभी रिसेंटली आपको एक केस बताऊँ, मैं हॉस्पिटल में गया, मेरे दोस्त का भाई एडमिट था, वेंटिलेटर पे था, तो डॉक्टर ने बोला अब इसके कोई चांसेस नहीं है बचने के। तो मैंने कहा जी हाँ, इनको लगता पता ही नहीं है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आप जानते मैंने क्या करा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वेंटिलेटर से हटा दिया, कुछ नहीं, भगवान की नई मर्जी थी, वो बच नहीं पाया बेचारा। लेकिन अगले ही दिन उसके भाई को मैंने ऐसे ऐसे जोक सुनाए, पूरे मैयत में नाश्ता फिर रहा था, वो लगा बाप भाई मरा नहीं है, भाई की शादी है। तो वहाँ से मैंने सीखा अपने आप को, तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट स्कूलिंग में ऐसा नहीं था, मैं स्कूल टाइम पे इतना प्राउड ऑफ नहीं था अपने आप, क्योंकि मैं हूँ इलाहाबाद से, तो वहाँ मैंने खूब हिंदी मीडियम की सी, तो यहाँ आके पता चला सब कुछ इंग्लिश मीडियम में है। तो इंग्लिश मेरी उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी शायरी, तो ना मैंने वो कभी ट्राई करा ना ये। तो इंग्लिश मीडियम की ये दिक्कत हुई कि दो दिक्कत इंग्लिश की जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो मेरे को आती नहीं थी, मेरी मान लीजिए वीक थी, वीक भी नहीं कोमा में थी, कभी भी मर सकती थी, ऐसी इंग्लिश थी। तो इंग्लिश मेरे को उतनी अच्छी आती नहीं थी, और दूसरा मेरे स्कूल का नाम था आर्काइव इंटरनेशनल सेकेंड सेकेंडरी स्कूल, मैंने जो नाम ऐसा चार बार बोलूं मुंह में लगवा मार दे। तो मेरे को नाम याद करने में पहले तो एक साल लगे, कोई मेरे से पूछता मैं स्कूल पे जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ ऐसे करके, तो बेटा कौन से स्कूल में हो, मैं ना बताऊँ, तो बेटा कौन से स्कूल में बता दे, तो मैं थर्मस उसके घुटने पे मार के भाग जाता था, वो भी मिल्टन वाली, ताकि उसको याद रहे कि अगली बार नहीं पूछना। तो स्कूलों में, बड़े स्कूलों में ये दिक्कत है, मैंने देखा है कि ये लोग आपको बोलते हैं वी आर गेटिंग रेडी फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो बस इंग्लिश का काम नहीं चलेगा, वो आपको फ्रेंच जैपनीज ये भी सिखाते हैं। एंचो मेरी इंग्लिश नहीं ठीक हो रही, मैं हिंदी इंग्लिश अनुवाद सीख रहा हूँ और तुम मुझे फ्रेंच सिखा रहे हो, समझ रहे हो आप? तो वो समाज मुझे सिखा रहे हैं एस के जपा ओंतरे बदाम दौला गला सिलगुक ले, मैं कहा हाँ जी बढ़िया आओ, कह रहे नहीं बेटा ये फ्रेंच था, मैंने कहा अच्छा। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि कोई व्यक्ति गांव के इलाके में खेतों में जाने की आदत है उसकी, सुबह सुबह लोटा लेके, उसको चार आदमी आते हैं बोलते भाई साहब आज से आपको खेतों में नहीं जाना, आपके लिए टॉयलेट लगाया गया है। कहा अरे भैया ये क्या है जी, इस पर कुछ होता भी है? वो समझने की कोशिश करेगा कि टॉयलेट क्या है, इस पर करते क्या हैं, और जैसे ही वो कंफर्टेबल हो के उसको कुछ करने गया, एक बंदा आता लात मारता है, बट इंडियन में नहीं वेस्टर्न कबर्ड में बैठ। तो मेरे साथ वो हो रहा था, अभी हिंदी से इंग्लिश में जा रहा था मैं, उससे पहले उन्होंने सिलेबस ही चेंज कर दिया फ्रेंच पर। तो स्कूल में बड़ी बेइज्जती होती थी मेरी, एक दिन मैं कॉरिडोर में ऐसे घूम रहा था, काम तो था नहीं, टीचरें निकाल देती थी। मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक्य हुए हैं कि बचपन में फर्स्ट क्लास में हम लोगों को इंग्लिश टीचर टास्क देती थी कि कंप्लीट द सेंटेंसेस करके, तो वो बच्चों को उठाती थी ग्रुप बना के, उसमें से एक बच्चे को आंसर बता देती थी और वो अपने ग्रुप को जाके हेल्प करे, मुझे इंग्लिश में उसने आंसर बताए। अब सब का आंसर कर रहे हैं, मेरे ग्रुप वाले पूछ रहे आंसर, हाँ कुछ तो था इंग्लिश में, कह रहे नहीं नहीं इसके आगे कुछ आएगा ना, मैं रो दिया। आप ये समझिए मैं लोगों से बात क्या उनका अवॉइड करता था जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश में ना कुछ बोल दें। तो लड़ाइयाँ भी होती थी, वो आके बोलते थे यू पीस ऑफ शिट यू डोंट नो हाउ टू टॉक एंड ऑल, मैं बोलता अच्छा तेरी बहन का, सीधा यही आता था अपने को जो नॉर्मल टिपिकल आना चाहिए। तो मेरे को एक दिन कॉरिडोर में घूमते हुए नोटिस बोर्ड दिखा, उस पर कुछ इंग्लिश में लिखा था, मेरे को वो समझ में नहीं आया, बस उसमें समझ में आया 500 रुपये, मैंने कहा ये काम की चीज़ है, वो स्लिप लिया मैंने फटाफट इंग्लिश वाले टीचर के पास गया, मैंने रख दिया, मैंने कहा ये लो इसमें मुझे बस 500 रुपये समझ में आया है, जो भी है 400 मेरा 100 तुम्हारा, बताओ टैलेंट करना क्या है। तो उसने मेरे को पढ़ के सुनाया, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इफ यू आर बींग कॉट स्पीकिंग हिंदी इन स्कूल प्रेमिसेस यू विल बी फाइंड 500। तुम मानोगे नहीं उस दिन मेरे को इंग्लिश समझ में आई बराबर, मेरे दिमाग में उस टाइम पे आज से मान लो 10-15 साल पहले वो गाना चल रहा था जो रिलीज भी नहीं हुआ, लग गए पूरा नहीं बोलूंगा क्या बोलना है, समझ गए तब। उस दिन मेरे को लगा हैंचो इंग्लिश तो जरूरी है रोला बनाने के लिए, मैं गया घर पे, पापा के पास पहुंचा, पापा बैठे थे, मैंने कहा पापा मुझे अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है, कह रहे क्यों तू वहाँ से चेंज होकर आया गांव से यहाँ पढ़ने के लिए इसलिए, मैं कहा हाँ, कह रहे बाकी सब्जेक्ट, मैं कहा बाकी बढ़िया, उन्होंने कहा 2 और 2, मैंने कहा 56,
कह रही तो सोचने वाला विषय है, तेरी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करे के लिए करे। मैंने कहा नहीं पापा, इंग्लिश में मेन दिक्कत है, बाकी तो मैं समझ लूँगा। तो अब मुझे लगा कि पापा बैठेंगे इंग्लिश सिखाएंगे, लेकिन वो मिडिल क्लास घर घर ही नहीं जहाँ पिता अपने बच्चे को समय और शिक्षा साथ में दे सके। तो उस पर हमारी स्ट्रेटजी काम करती है। पापा ने मेरे को ला के दिया रामबाण इलाज, रैपिड इंग्लिश कोर्स, 30 दिन में इंग्लिश बोलिए फर्राटेदार। मैंने कहा वाह भाई, जो इसी चीज़ की तो ज़रूरत थी मेरे को, 30 दिन में इंग्लिश सीख जाऊँगा। तो अब मैंने घिसना शुरू करा, और वो हमको पता है वो उसकी एडवर्टीजमेंट देखी होगी आपने, पहले बहुत पहले आती थी टीवी दूरदर्शन वगैरह पे, कि क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्या आप अपने दोस्तों के सामने लकड़काते हैं, क्या आप बोलने चाहते हैं लेकिन थक जाते हैं। मैंने कहा ऐसा ही कुछ है। तो आज ही ना ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और आप मैंने कहा अच्छा पैसा बता, बात 3000 रुपये में आप सीखे फराटेदार इंग्लिश और अपने दोस्तों को कर दिए चौचाज अचकान। मैं कहा यही तो कर ला है, यही तो मिसिंग है जिंदगी से। अब मुझे कॉन्फिडेंस इस चीज़ से नहीं आ रहा था कि मुझे इंग्लिश सिखा रहा है। मैंने कहा मैं भी ऐसे बोलूँगा वो पकड़ नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई कैसा खड़ा क्या कर रहा है। तो उसे भी लगेगा यो मॉडर्न इंग्लिश बैंक। वो बोले आशीष भाई पिकनिक पर चल रहे हैं, व्हाट्स योर प्लान, चलते हैं ब्रो। तो उससे लगेगा मैं भी कुछ जानता हूँ। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स थी, लेकिन एक चीज़ थी उसमें लिखा था 30 डेज। मैं कहा इतना टाइम तो नहीं है, एक साल तो मैं बर्बाद हूँ, मेरे पास 30 दिन नहीं हो। और मैंने कहा कुछ ऐसा सीख लेता हूँ कि कल ही जाऊँ और अंग्रेजी बोलूँ सब चौंक जाए। तो उसमें मैंने बहुत ढूंढा, उसमें मुझे एक ही चीज़ मिली, हेलो। अच्छा ये हमें ना बुक बस कन्वर्सेशन सिखाती है, ABCD से नहीं, बस आपको इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद सिखाती है। मैं पागल हूँ, आई एम मैड कि मैं किताब खरीद के लाया, ये अनुवाद नहीं था मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उसमें से सीख लिया, माई नेम इज़ आशीष, वट इज़ योर नेम, दो बार बड़ा पांच बार बड़ा भैंचो रट्टा मार दिया इसको मैंने। दूध लेने गया, कह रहा दूध, मैं कहा माय नेम इज़ आशीष पंड, वट इज़ योर नेम, कह रहा भैंचो पैसे दे। मैं कहा देता हूँ रुक जा, इंग्लिश का अनुवाद तो कर इसका, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ले आती, छोड़ो। गया स्कूल, स्कूल में सबको बताने के बाद मेरा दोस्त सामने से आया, मैं पहुंचा, मैंने कहा यही टाइम है इसके सामने रोला जमाने का। मैंने कहा हाँ भाई, माय नेम इज़ आशीष पांडे, व्हाट इज़ माय नेम। वो पहले उसे लगा कि चले गलत सुन लिया, उसने कहा है जी। मैंने कहा अरे यार, माय नेम इज़ आशीष पांडे, व्हाट इज़ माय नेम। उसने बोला आशीष पांडे। मैं कहा ये यार छोटे गांव के लोगों की यही दिक्कत है, दो वर्ड ले आते अंग्रेजी के हैं, इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो तुम। उन्होंने कहा दोबारा बोल क्या बोलना चाहता है। मैंने कहा आखिरी बार बोलूंगा, माय नेम इज आशीष पांडे, व्हाट इज माय नेम। उन्होंने बोला आशीष पांडे। मैं कहा अरे वेंच ये गलत बोल रहा है तू। उन्होंने कहा नहीं भाई यही सही है जो तू बोलना चाहता है शायद, माय नेम इज आशीष पांडे, व्हाट इज योर नेम। मैंने मुंह पलट लिया, मैंने और उस दिन मैंने स्कूल का नाम पूरा पढ़ा, आर्काइव सेकेंडरी पब्लिक पगली स्कूल। तो उन्होंने बोला भाई ये तो गलत पढ़ रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तुझे सिखाने के लिए हूँ, अब आगे कोई पूछेगा, कोई भी स्कूल में आगे आके तेरे से पूछेगा तो उसे यही बताइयो। मैंने कहा कौन आके पूछेगा, सबको निपटा के तेरे पास आया हूँ। आखिरी में तेरे पास रोला जमाना था। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। एंड लास्ट चीज शायरियाँ चल रही थी, तो अब मेरे को आशीष भाई जितनी शायरी तो नहीं आती, बट उनसे रिलेट करके मैं आखिरी में कुछ चंद शब्द बोलूँगा किसी बड़े शायर के, जैसे नाम बोलना चाहिए मेरे को याद है उनका नाम, लेकिन किसी के और लाइंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस सिचुएशन में फिट बैठेगा। दैट इज़ कि अकेला हूँ नियत्था ज़माने के लिए, अकेला हूँ नियत्था ज़माने के लिए, सीने में वो रुआब रखा करता हूँ, और नहीं ढूंढ सकते तुम ज़माने में मुझको, हर शक्ल का एक नकाब रखा करता हूँ। और मदहोश होकर उड़ते हैं परिंदे भी मेरी छत से, कि मदहोश होकर उड़ते हैं परिंदे भी मेरी छत से, पानी की जगह शराब रखा करता हूँ, और वो फ़कीर कह के चली गई मुझको, ज़रा एक दफ़ा देख तो लेती, मैं फ़कीरों में भी नवाब रखा करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।